नमस्कार दोस्तों, अगेन मार्केट बिल्कुल फ्लैट है। ख़तरनाक तरीके से, मतलब ना मैं ऊपर जाऊंगा ना मैं नीचे जाऊंगा। और ये कहानी एक्चुअली शुरू हुई लास्ट वीक के ट्यूसडे से, तो वो चार दिन और ये तीन दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, जो मूव है या तो वो गैप अप गैप डाउन में है या फिर वो दो ढाई बजे के बाद है, ठीक है, उसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो आज तो और भी ऊपर से क्या कहते हैं, थर्सडे है तो अच्छी खासी प्रीमियम मीटिंग ये लोग करेंगे। बट मुझे लगता है कि 12 एक बजे के बाद से बैंक निफ्टी ज़रूर कुछ होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर मुझे अगले दो तीन दिन भी थोड़े से ऐसे ही लग रहे हैं, फिर ये इलेक्शन का वेट है। आप ये देखिए, फेड का इवेंट, बैंक, ये सब वगैरह, इसके बावजूद भी मार्केट बिल्कुल रुका हुआ है, ठीक है। कोई मतलब उसमें वोलेटिलिटी मोमेंटम नाम का ना ऊपर ना नीचे कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल साइलेंटली, बिल्कुल चुप, प्राइस के आगे पीछे। बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट नीचे, ऊपर 100-150 पॉइंट ऊपर, उसके बीच में रुक के अपना टाइम पास पिछले 7-8 दिन से। और मैं सही बताऊं तो मुझे मार्केट बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। जो इन्वेस्टर हैं मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा, बिल्कुल इस फिलहाल इन्वेस्ट ना करें। जब तक आपको दोबारा से निफ्टी 16-800 के आसपास नहीं मिलता है, पैसे आपको नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। ये जो तेज़ी है, जो भी ऊपर 18,000 के, ये सिर्फ एक सेक्टर के बलबूते मार्केट ऊपर खड़ा हुआ है, दैट इज़ दी बैंक निफ्टी। कल भी अगर बैंक निफ्टी में 2-2.5 बजे के बाद बाइंग नहीं आती तो हो सकता है निफ्टी आपको 18,000 तोड़ता हुआ दिखता कल। तो ये साइन जो है ठीक नहीं होते हैं कि एक ही सेक्टर को खींच के उसको भी इतना खींच दिया गया है, वो अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 500-600 पॉइंट नीचे है, ठीक है। एंड आपका निफ्टी फिर उसी हिसाब से 18,000 के ऊपर है, ठीक है। तो जब आपने पिछला ऑल टाइम हाई देखा था निफ्टी में तो वो था 18,800 के आसपास। उसमें कंट्रीब्यूशन है रिलायंस का, उसमें कंट्रीब्यूशन है आईटी के स्टॉक्स का, उसमें कंट्रीब्यूशन है मेटल्स का, ठीक है। बट ये जो तेज़ी आके खड़ी हो रखी है, सिवाय फाइनेंस में भी मैं बैंक ही बोलूँगा, बजाज फाइनेंस तो खुद बेचारा धक्के खा रहा है जो 8-9,000 चलता था, ठीक है। ओनली एंड ओनली बैंक्स विच आर ओवर स्ट्रेच, ओवर एंड अबव आर, मतलब बहुत खींच दिया गया है। एक ही सेक्टर के बूते अगर आप खड़ा करके रखेंगे तो कितना रखेंगे, ठीक है, जिसका जवाब शायद मैं अभी तो बोलूं मेरे पास भी नहीं है। पर बाइंग में तो मैं नॉट कहीं से भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही ट्रेडिंग पर्पज़ से, इन्वेस्टमेंट से। तो इनफैक्ट मैंने पैसा निकाल लिया है उल्टे से, ठीक है। और ये जो बैंकिंग क्राइसिस, यूएस के बैंक डूबना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बट उसके बाद भी अगर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो तो इट मीन्स समथिंग बिग इज़ कमिंग, ठीक है। कि लोगों को लगे यार इससे बुरा क्या होगा, फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे एकदम से माल छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनकी FIs की जो भी इनकी बुकिंग शुकिंग है वो इन्होंने बाकी स्टॉक्स में तो कर रखी है, ठीक है। इन्होंने जो खींच के रखे हैं वो बैंक के स्टॉक खींच के रखे हैं, तो वहाँ पे जैसे ही उसको ये माल छोड़ना चालू करेंगे तो बाकी सेक्टर तो ऑलरेडी पिटे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से फिर नीचे ये निफ्टी भी अपने आप आना शुरू हो जाएगा, बैंक निफ्टी भी अपने आप गिरना शुरू हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट 4-5 स्टॉक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक एंड एक्सिस बैंक, ठीक है। ये 5-6 स्टॉक हैं, बाकी में तो सबने FIs ने अपनी दबा के प्रॉफिट बुकिंग करी है जब जब मार्केट को नीचे की तरफ ठोका है। बट जब जब नीचे की तरफ से ऊपर उठाया है, हमेशा बैंक निफ्टी के सपोर्ट से उठाया है, तभी आपको बैंक निफ्टी बिल्कुल ऑल टाइम हाई के 1.5% नीचे दिख रहा है और निफ्टी 18,000 के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर कितना खींचेंगे, कितना ड्रामा करेंगे, कितनी देर इसको टिका के रखेंगे, मेरे लिए भी ये सरप्राइजिंग है कि ये वीक में भी इन्होंने इतना कुछ मतलब रोक के रखा हुआ है, ठीक है। मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है भाई, कि इतना भी इस लेवल तक जाके भी आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करना आना चाहिए, ठीक है। टाइम आपकी जेब में होना चाहिए, ठीक है। तो
तो ये है दोस्तों फिलहाल के लिए, व्यू नेगेटिव ही है, इनको ऊपर जाना है ऊपर ले जाएं एक बार को, अब साइड में हट जाएंगे, ठीक है। मार्च मई मंथ की एंड की पोजीशन जो मैंने आपको बोली हुई है, टारगेट 42,400-42,200 तक के इमीडिएटली हैं, जो कि हम मई मंथ में देख रहे हैं। और पोजिशनल उसके बाद कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। बट फिलहाल अगर 43,555 के ऊपर निकलता है तो इट मीन्स 15-20 मई तक और खींच के रखा जाएगा, आना नीचे ही है, गिरेगा नीचे ही, ठीक है। निफ्टी बैंक भी नीचे गिरेगा, निफ्टी भी नीचे गिरेगा। बात ये है कि ये कौन सा मंथ पकड़ के बैठे हैं और कौन सा टाइम पकड़ के बैठे हैं, ठीक है, जहाँ से ये मार्केट को नीचे गिराएंगे। तो यही है दोस्तों फिलहाल व्यू, बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।